छत्तीसगढ़ की एक सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है जो नई सियासी हलचल पैदा करने वाला साबित होगा। मरवाही में जोगी परिवार के किनारे होने के बाद इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जोगी के नहीं होने के बाद भी इस सीट पर जोगी फैक्टर अहम रोल निभाने वाला है। पिछले चुनाव में जोगी कांग्रेस की ओर से अजीत जोगी को 70,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी को 27,000 और कांग्रेस के उम्मीदवार को 18,000 वोट मिले थे। ऐसे में जोगी के नहीं होने से जोगी को मिले 70,000 वोट किधर जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। मैं माननीय निर्वाचन आयोग से बस इतना ही पूछना चाहता हूँ कि क्या मरवाही में प्रदेश के कोने कोने से आए हजारों की तादाद में कांग्रेसियों ने कोरोना का वैक्सीन लगा लिया है कि केवल जोगी परिवार और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के कार्यकर्ता के घूमने से ही कोरोना फैलेगा। साफ साफ दिख रहा है कि सरकार हर प्रकार के हथकंडे अपना रही है जोगी परिवार को जनता के बीच में जाने से रोकने के लिए, और यहाँ प्रदेश में कानून और संविधान का राज नहीं बल्कि एक व्यक्ति विशेष और उनके गिरोह का राज चल रहा है। मरवाही की जनता का दिल जीतने प्रचार के अंतिम चरण में दोनों दल यहां अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुल 7 जनसभा संबोधित करेंगे, जिसमें डोंगरिया, कोटगार, जोगीसार, बस्ती बगरा, दानी कुंडी, लोहारी और नवागांव में उनकी आम सभा होगी। वहीं एक रोड शो भी होगा। 50 विधायक, 5 मंत्री पहले से मैदान में पसीना बहा रहे हैं। मरवाही हमारा कांग्रेस का गढ़ रहा है। वहाँ के लोग हमेशा वहाँ लोगों से आत्मीय संबंध रहा है, और जो छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं उसके प्रतिसाद हमको मिलेगा। 3 तारीख को मतदान होगा, 10 तारीख को गणना। इधर कांग्रेस के धुआंधार प्रचार के जवाब में बीजेपी भी तैयार है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह 4 सभाएं करने जा रहे हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि जोगी कांग्रेस के साथ हुए घटनाक्रम का फायदा उसे मिलेगा। कांग्रेस को मरवाही की जनता पे विश्वास उठ चुका है, उनका आत्मविश्वास डगमगा गया है। संभावित पराजय को देखते हुए अब उनके सामने एक ही विकल्प दिखता है, इसको ले लें, उसको ले लें, इसको ले लें, और एक वातावरण बनाने के काम में लगे हुए हैं कि विधायक आ रहा है, कि ये आ रहा है। चुनाव में रोका जा रहा है लोगों को, चुनाव लड़ने से अमित जोगी और उसकी पत्नी को रोका गया, तो ये एक वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। मगर ये उनके डगमगाते हुए आत्मविश्वास और पराजय की ओर इशारा करता है कि पार्टी इस बार पूरी तरीके से मरवाही में पीछे है। फिलहाल जोगी फैक्टर, कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर का मरवाही में मुख्य मुद्दा बन गया है। ऐसे में बाजी किसके हाथ लगेगी और जोगी से जुड़ा वोट बैंक किधर जाएगा, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। जीत का जोगी फैक्टर। जी हां, जोगी चुनाव में मैदान में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मरवाही में जोगी फैक्टर काम कर रहा है। इसलिए कर रहा है क्योंकि पिछली बार और उससे पहले लगातार जो जोगी परिवार जीतता रहा, वो वोट बैंक आखिरकार किस तरफ जाएगा, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हुआ है। और इसी वोट बैंक को हासिल करने का दावा भाजपा और कांग्रेस कर रही हैं, और इसीलिए ताबड़तोड़ कल से चुनावी सभाएं शुरू होंगे। सबसे बड़े स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस की तरफ से मैदान में होंगे। 3 दिन लगातार सभाएं करेंगे मरवाही में। तो डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी 4 सभाएं यहां पर करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर पूरी ताकत अब अंतिम समय में पार्टियों ने झोंक दी है। जनता लेकिन अभी भी खामोश है कि आखिरकार वो किस करवट जाएगी, किसे जनप्रतिनिधि चुनेगी। चर्चा इसी पर आज होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सच्चिदानंद उपाध्याय जी हैं, भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। सुरेंद्र वर्मा जी कांग्रेस से, और धनवीन जयसवाल जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले आपसे सवाल करूंगा सुरेंद्र वर्मा जी, प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। पिछली बार 3रे नंबर पर थे आप लोग, लेकिन इस बार विकास के दरवाजे आप लोगों ने खोले हैं, बहुत सारे वादे भी हैं, और ट्रैक रिकॉर्ड बनाकर भी आप लोग रखना चाहेंगे। क्या उम्मीदें हैं और क्यों ये उम्मीदें हैं कि जोगी का जो वोट बैंक था वो आप लोगों की तरफ आएगा? निश्चित रूप से अभिषेक जी, देखिए जैसा कि हम मरवाही उपचुनाव की बात कर रहे हैं, मरवाही 72 में पहली बार विधानसभा बना था। अब तक 11 चुनाव हुए हैं, उसमें 8 बार जो है कांग्रेस को सफलता मिली है, 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीती है और 1 बार जोगी कांग्रेस को वहां से विजय मिली है। निश्चित रूप से जो विगत विधानसभा चुनाव की बात करें 2018 में और वर्तमान में परिस्थितियां बहुत परिवर्तित हुई है। सरकार के पास 20 महीनों का कामकाज है, लोगों के सामने हमारा रिपोर्ट कार्ड है और मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जो हमने हमारी सरकार ने विगत 20 महीनों में जो काम किया है गांव, गरीब, किसान, गौपालक और खासकर आदिवासी क्षेत्रों के संदर्भ में जो 3 आदिवासी प्राधिकरण हैं उनकी कमान जो है स्थानीय आदिवासियों को दी गई है। तेंदू पत्ते का समर्थन मूल्य है, चाहे पहले 7 की जगह 31 वनोपजों की खरीदी हो रही है। तो निश्चित रूप से एक चीज और है, एक जो बड़ा फैक्टर है कि जोगी जी निश्चित रूप से बहुत बड़े कद के नेता थे, उनके जाने से जो वहाँ पर एक रिक्तता आई है तो वहाँ के जो खासकर आदिवासी बहुल सीट है, जो वोटर हैं वो परंपरागत रूप से कांग्रेस के वोटर हैं, कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। केवल 2 बार भारतीय जनता पार्टी परंपरागत रूप से कांग्रेस के वोटर हैं, आप लोगों की उम्मीदें लाजमी भी हैं और सत्ता में आप लोग हैं तो विकास के दावे भी आप लोगों ने बहुत सारे किए हैं। उपासना जी, आपसे ये सवाल होगा, बीजेपी पिछली बार दूसरे नंबर पर थी लेकिन एक बड़ी अहम चीज़ यहाँ पर मानी जाती है कि जो जोगी के वोट बैंक थे या वोटर थे वो अगर वहाँ से शिफ्ट भी होंगे तो कांग्रेस की तरफ जाएंगे क्योंकि वो माइंडसेट या विचारधारा कांग्रेस की रही होगी। आपकी तरफ कैसे आएंगे और आप लोग कैसे जीत वहाँ हासिल करेंगे? अब तो सत्ता भी नहीं है, 15 साल सत्ता होने के बावजूद नहीं आप लोग कर पाए। कांग्रेस का वोट बैंक तो उसी समय टूट गया जब वो जनता कांग्रेस और आकर्षित हो गया, आकृष्ट हो गया। ये मानकर कांग्रेस चल रही जो हमारे वोटर थे ये गलत है। जिस वोटर्स ने अपने मताधिकार का उपयोग जनता कांग्रेस के पक्ष में किया और बाद में भी पिछले चुनाव के बाद संसद में भी उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान नहीं किया, तो स्वाभाविक रूप से वो मतदाता अब कांग्रेस का प्रतिबद्ध मतदाता नहीं रहा, वो कांग्रेस से विमुख हो गया। यही कारण है कि कांग्रेस को तीसरे नंबर पर वहां पर पोजीशन में आना पड़ा। और जिस विकास की ये बात कर रहे हैं वो विकास तो वहाँ पर नगण्य है, केवल एक बातों का और केवल कागजों का पुलिंदा है। जिस प्रकार से ये मैदान में आए हैं तो भय इनका उसी दिन दिख गया था कि किस प्रकार से ये भयभीत हैं और भयभीत होने के कारण खरीद फरोख्त की राजनीति इन्होंने पहले प्रारंभ की, अपने दल में शामिल कराने की कार्रवाई इन्होंने पहले प्रारंभ की। उसके बाद इन्होंने और एन के एन प्रकारण जो मैदान का सबसे तगड़ा पहलवान होता है उसको किस प्रकार बाहर करके मैदान को जीतने की कवायद की जाए, ये भय उनका जो दिखा तो जोगी दंपत्ति को चुनाव से विमुख करने के सारे षड्यंत्र करके पहले एन के एन प्रकारण उनको बाहर किया गया। लेकिन जो मतदाता जोगी के पक्ष में मतदान करने वाला है वो जानता है कि इन्होंने छलावा किया है, इन्होंने षड्यंत्र किया है, हमको लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित करने के सारे कारनामे यदि किसने किए हैं तो कांग्रेस की सरकार ने किए हैं। इसलिए वो मतदाता भी कभी भी कांग्रेस के पक्ष में मतदान नहीं करेगा, वो बदला लेना चाहेगा और श्रद्धांजलि तो देना। ये दावे बिल्कुल यहाँ आपकी पार्टी के भी है। धनवीन जी, जोगी मैदान में नहीं है लेकिन फिर भी वहाँ पर मौजूद है, कभी किताबों के जरिए वहाँ पर प्रचार किया जा रहा है, कभी उनके नेता घूम रहे हैं, कभी कार्यकर्ता घूम रहे हैं और बदला लेने की भी बात कर रहे हैं। वोटर किस तरफ शिफ्ट होगा ये तो बड़ा अहम है यहाँ पर, और क्यों शिफ्ट होगा? क्या सब कुछ आज की डेट पे अगर हम देखें सब कुछ इसी पर डिपेंड है कि ये जो वोट अजीत जोगी को मिले थे वो जिधर शिफ्ट होंगे जीत उधर जाएगी? निश्चित तौर पर जिधर वो वोटर शिफ्ट होंगे जीत उधर ही जाएगी क्योंकि 70,000 मतदाताओं का मामला है। पिछले दिनों टीएस सिंहदेव ने यही बात बहुत खुल करके कही थी कि वो जो मतदाता हैं उनका विभाजन किस तरीके से होता है, बहुसंख्य मतदाता जो जिन्होंने जेसीसीजे को वोट दिया था वो किधर जाते हैं ये देखना होगा। और मैं उस इलाके में घूम करके आया हूँ, वहाँ मैंने लगभग अधिकांश गाँवों का दौरा किया है, उस इलाके के अलग अलग बेल्ट में मैंने घूम करके लोगों से बातचीत की है। जो जेसीसीजे के मतदाता थे उनके बहुसंख्य मतदाता मूलतः कांग्रेसी मतदाता हैं और वो कांग्रेस की तरफ लौटना चाहते हैं, ये मैंने वहाँ महसूस किया है। परिणाम क्या होंगे ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। जब 3 नवंबर को मतदान होगा और 10 नवंबर को परिणाम आएंगे तब इसका खुलासा होगा कि परिणाम क्या है। और मैंने जो महसूस किया उसमें कितनी सच्चाई है ये तो उसी दिन खुलेगा, लेकिन मैंने जो महसूस किया है इतने सालों की पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में, मैंने वहाँ के लोगों से जो बातचीत की है, अधिकांश मतदाताओं के मन से ये संशय खत्म हो गया है कि अब जेसीसी जे मैदान में नहीं है तो हमारी जो मूल पार्टी कांग्रेस है हम उधर जाना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव मैदान में डट करके खड़ी हुई है, तमाम उसे नेता तो क्या जोगी परिवार जो वहाँ विरोध कर रहा है लगातार जनता के बीच जाकर, उसका कोई असर नहीं देखने को मिलेगा? ये उनके एफर्ट पर डिपेंड करेगा। ये देखिए उनको अनुमति नहीं मिली है और चूंकि उनका कोई उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं है और वो खुल करके ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करिए, गोल गोल बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ आप न्याय करिए, तो वो न्याय किस तरह का मांग रहे हैं, कैसा न्याय मांग रहे हैं ये स्पष्ट नहीं है। और अब तो उनको अनुमति भी नहीं है उस इलाके में, चूंकि उनका प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं है तो उनको अनुमति मिलने भी नहीं थी और जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। जहाँ तक जाति के मामले में जिस तरीके से उपासना ये भी कह रहे थे कि राज्य सरकार ने षड्यंत्र किया है, उनको शायद याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेता बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए और इंटरव्यूनर बने इस मामले में। नंद कुमार साय जो भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में पहले नेता प्रतिपक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने इस मामले को लगातार उठाया। जब फैसला आया तो ननकीराम कंवर और नंद कुमार साय ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि आदिवासियों के साथ अब तक जो छलावा हो रहा था सबसे पहले बंद हुआ है। अब बीजेपी लगातार इस बात को उठाती रही है। बिल्कुल, सच्चिदानंद उपाध्याय जनता पार्टी के ही नेता है ये तमाम। आप लोग लगातार खुद जाति का मसला उठाते रहे हैं, अब जोगी कांग्रेस का कोई भी या जोगी परिवार का कोई भी मैदान में नहीं है तो आप लोगों को तो खुश होना चाहिए। जो आप लोगों ने कोशिश की थी जाति को लेकर, जो आरोप लगाए थे, उसके बाद वो परिवार को वहाँ पर रोका गया, फर्जी घोषित किया गया या हटाया दिया गया वहाँ से, वो मैदान में नहीं है। उसके बावजूद जोगी कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी डिफेंड कर रही है। देखिए निश्चित रूप से पूरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लड़ी थी क्योंकि जाति का मामला पूरी तरह से अदालतों में लड़ा गया तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरी तरह से लड़ा, लेकिन कांग्रेस उनको आदिवासी मानकर उनको उनका मोर्चे का उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया, आदिवासी होने के कारण उनको यहाँ का मुख्यमंत्री भी बनाया। और आज वो जो प्रचारित कर रहे हैं कांग्रेस के नेता कि वो जिस प्रकार से निर्णय उनके कार्यकाल में हो रहा है तो ये स्वाभाविक रूप से कांग्रेस का दोहरा चरित्र दिखाई दे रहा है कि एक ओर तो आपने उनको जीवन में उनको कांग्रेस के आदिवासी बनाकर, आदिवासी होने के नाते यहाँ का छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाकर सारी उसकी जाति को आदिवासी मानना ये मानते रहे। अब उनके जाने के बाद ये कह रहे हैं आप लोग कांग्रेस को वहां हारते देखना चाहते थे और जोगी परिवार एक बड़े मजबूत कैंडिडेट हो सकते थे, ये भी एक बड़ी वजह है। नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस कांग्रेस सरकार की जो विसंगतियां इन 2 वर्षों की है, जो झूठे वादे झूठे नारे लगाए गए, गंगा जल हाथ में लेकर वादे किए गए, उन वादों से जिस प्रकार से मुकरी है ये कांग्रेस, मुद्दों पर जी उसके बाद भी 2 उपचुनाव हो गए, निगम के चुनाव हो गए, उस सब में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली। किस प्रकार से हासिल के सब जानते हैं कि नियमों में संशोधन करके सत्ता का खुला दुरुपयोग करके, चाहे वो बस्तर के उपचुनाव हो, ये चीज तो मरवाही में भी हो सकती है। उपासना जी, फिर आप लोग जीत का दावा कैसे कर रहे हैं? यहाँ पर भी वही करने जा रहे हैं, सत्ता का सारा खुला दुरुपयोग। आप मान रहे हैं कि मरवाही आप लोग नहीं जीत पाएंगे, मुश्किल है? नहीं, हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जनता आज यदि खामोश है, जैसा कि धनवीन जी कह रहे थे, तो जनता यदि खामोश है तो जनता ये तय करके बैठी है कि हमको इस कांग्रेस से बदला लेना है, जिन्होंने कि इस क्षेत्र के साथ अन्याय हमेशा से किया, आजादी के बाद से इतने बार जनप्रतिनिधि रहे, जितना भी सुरेंद्र जी कह रहे थे। फिर विकास क्यों नहीं हुआ वहाँ पर? 15 साल तो सरकार आप लोगों की थी, जनप्रतिनिधि रहे, तो पूरे समय 60 साल में आपने मरवाही का विकास क्यों नहीं किया? पिछले 15 साल में आप लोग वहाँ पे कर लेते हैं। आज जो विकास दिख रहा है 15 वर्षों का विकास दिख रहा है, जिसमें कांग्रेसियों की गाड़ियाँ आज दौड़ रही है और सड़कों पर दौड़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की ठीक है। हालांकि जनता के बीच जब बंसल न्यूज गया था, धनवीन जी गए थे, तो वहाँ पर लोगों ने कहा था कि नेता आते हैं, बोलते हैं, भरोसा दिलाते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं करते। किसने वादे किए और किसने पूरे नहीं किए तो जनता ही जानती है। सुरेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? निश्चित रूप से अभिषेक जी वरिष्ठ नेता हैं, उपासने जी और वरिष्ठ अधिवक्ता भी लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और उसकी बी टीम के जो षड्यंत्र हैं वो बेनकाब हो चुके हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी अपनी बी टीम के भरोसे चुनाव लड़ रही है। मरवाही में उनको उन्हीं पर उम्मीद है। निश्चित रूप से धनवीन जयसवाल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और परिस्थिति से, वहाँ के ज़मीनी हालात से वाकिफ है और एक एक बात उनकी सही है। जहाँ तक आरोप लगा रहे हैं उपासने जी, तो 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी और उनकी बी टीम ने मरवाही की जनता को केवल और केवल भावनात्मक मुद्दों से ढकने का काम किया। आज इतने साल बाद भी 50-50 गांव में ट्रांसफार्मर नहीं होना, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होना, वहां हजारों की संख्या में बच्चे और महिलाएं एनीमिया और कुपोषण से पीड़ित होना, निश्चित रूप से वहां के दावों की पोल खोलती है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और जोगी कांग्रेस से इनकी मिली भगत की पोल खोलती है। जहां तक आरोप लगा रहे हैं उपासने जी, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा अभिषेक जी की साक्ष्य नियम में बड़ा स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी प्रमाण पत्र जब प्रस्तुत किया जाता है तो वो तब तक वो वैलिड होता है जब तक उसको अवैध घोषित न कर दिया जाए। निश्चित रूप से 85 में जोगी जी राजनीति में 86 में पहली बार उनके खिलाफ शिकायत, आप लोगों के पास 69 सीट है, एक सीट और बढ़ जाने या घट जाने से कुछ फर्क पड़ना नहीं है। फिर भी आप लोगों के लिए क्यों ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है मरवाही सीट? क्या जोगी परिवार वहां से लड़ता था इसलिए? देखिए बिल्कुल नहीं, ये परिवार की बात नहीं है अभिषेक जी। वही तो मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है जोगी कांग्रेस के साथ मिलकर यह उजागर होता है कि किस प्रकार से इनके कार्यकाल में इनकी पार्टी की नेता समीरा पैकरा और इनके रमन सिंह जी के जो यहाँ कर्मचारी थे संतराम नेताम 2001 में याचिका लगाते हैं और उसके खिलाफ जब इन्हीं के शासनकाल में रीना बाबा साहेब कंगाले की जो रिपोर्ट आती है उसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित किया जाता है कि वो आदिवासी नहीं है। फिर भी लगातार रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जोगी जी को प्रोटेक्शन देते रही और वो जो सुरेंद्र जी, मेरा सवाल था आप लोगों के लिए क्यों प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी है सीट? निश्चित रूप से उस समय जब कांग्रेस, प्रतिष्ठा की बात नहीं है। देखिए उपचुनाव जो होता है लोकतंत्र में जो है सबकी जवाबदारी है, राजनीतिक पार्टियों को पूरे जोर शोर से लड़ना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे जिस प्रकार से 2 उपचुनाव चित्रकोट और दंतेवाड़ा के हुए, उसके बाद से नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के बाद ये हथियार डाल चुके हैं। ये अपनी बी टीम के भरोसे बैठे हैं कि कुछ होगा अगर जोगी कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया जा रहा है सरकार के खिलाफ। सबसे बड़ी फौज सुरेंद्र जी आप लोगों ने उतारी, वहां पर बूथ वाइज उतारी है, फर्क आपके विधायक हैं, संसदीय सचिव हैं। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश अगर दुश्मन कमजोर है तो फिर पूरी फौज उतारने की क्या जरूरत? बिल्कुल प्रदेश उपाध्यक्ष नहीं, देखिए चुनाव जो है निश्चित रूप से सरकार को और विपक्ष को भी लोकतंत्र में जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं सीरियस लेनी चाहिए और इस प्रकार से ये उत्साह है कांग्रेस के अंदर। 15 साल बाद हमारी सरकार है, वहाँ के जो लोग हमारे मतलब आप बहुत कठिन चुनौती नहीं मान रहे, मौका है कि वो जो है दिखा सके और नहीं बिल्कुल। देखिए जो भी वहां से आए हैं, जितने भी आप जैसे पत्रकार वहां से उनकी रिपोर्ट जो आ रही है, कांग्रेस के सामने वहां भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं है। केवल सरकार के खिलाफ क्या जीत का आधार आप लोगों का सिर्फ जोगी कांग्रेस के वोटर पे डिपेंड है कि जोगी परिवार अगर वहां पर उनका इमोशनल कार्ड काम किया तो बीजेपी को वोट मिल जाएंगे, या भाजपा के पास भी कुछ है अपने तरफ से कुछ कहने को? क्योंकि पिछले 15 साल आप लोग सत्ता में थे तब आप जीत नहीं पाए। ये भारतीय जनता पार्टी से इतने भयभीत हैं कि जो दूसरे नंबर पर थी वो पहले नंबर पर आ सकती है, इनको पूरी कल्पना है। और यही कारण है कि जिस प्रकार से 50 विधायक, निगम आयोग के सारे अध्यक्ष, वहां पर 5-5 मंत्री, ये सारी फौज लगाई। यदि वास्तव में आप चुनावी समर में ये मानकर चल रहे हैं कि जनता आपके साथ है तो इतनी बड़ी फौज लगाने की जरूरत क्या है आपको? इतना बड़ा सामदाम, प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग, ये सब करने की जरूरत क्या है? हम कोई जोगी जी के होटों के बदौलत नहीं है, हम अपनी बात इस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं जो सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ जिस प्रकार से अन्याय किया है। झूठ बोलकर ये सत्ता में आए हैं और लगातार नौजवानों के साथ जो 2500 रुपया इन्होंने कहा था कि बेरोजगारी, सवाल यही है कि आप लोग बोल रहे हैं कि वादा खिलाफी हुई है, पर जनता को उस बात का विश्वास भी आपको दिलाना पड़ेगा, उसमें आप लोग लगातार फेल है। तो वो मतदाता तो कहीं ना कहीं विभाजित होंगे ही, निश्चित रूप से वो भावनात्मक रूप से भी विभाजित होंगे और कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश होने के कारण भी विभाजित होंगे। उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को निश्चित मिलेगा। ये बी टीम बोलते हैं, लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ? बी टीम, ए टीम, तो यही लोग एक साथ होकर लोकसभा का चुनाव लड़ा थे। जोगी जी की पार्टी तो वहाँ लोकसभा चुनाव तो बिल्कुल अलग थे, वो तो मोदी जी के नाम पे आप लोगों की नैया पार हो गई थी वहाँ पर। धनवीन जी, आप जब वहाँ गए थे वोटर से बातचीत हो रही थी, लोग विकास अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ पर, लेकिन अभी फिर उसके बावजूद लोग पत्ते नहीं खोल रहे हैं, नेताओं पे भरोसा बहुत कम है उनको, वादे करते हैं और पूरा नहीं करते, ये सभी बोल रहे थे। निश्चित तौर पर विकास सबसे बड़ा मुद्दा है और जब छत्तीसगढ़ का ट्रेंड रहा है, यदि दो उपचुनाव छोड़ दें, वैशाली नगर का और कोटा का, पहला इस प्रदेश में, दूसरा जो उपचुनाव हुआ था कोटा में हुआ था और उसके बाद सरोज पांडे के इस्तीफा देने से वैशाली नगर, तो ये दो उपचुनाव को छोड़ दें तो बाकी के जितने उपचुनाव हुए हैं सब में सत्तारूढ़ दल के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीत करके आए हैं और ये छत्तीसगढ़ का ट्रेंड रहा है। मरवाही के लोगों का भी कहना है कि चूंकि 3 साल बचे हैं, यदि हम सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार को जिता के भेजेंगे तो विकास की उम्मीद कुछ ज़्यादा बनती है, क्योंकि 3 साल में उसको अपने लिए कुछ करके दिखाना होगा ताकि अगला चुनाव उसके लिए हो सके। तो वो जो विधायक चुन करके जाएगा तो वो यहाँ के विकास के लिए प्रयास करेगा, ऐसी मानसिकता लोगों की दिखाई देती है, पहली बात। दूसरी बात, जहाँ तक चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने का मामला है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न इसलिए भी है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो विजय यात्रा विधानसभा 2018 के चुनाव से शुरू हुई थी, वो 2 उपचुनावों के अलावा नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव में वो विजय यात्रा लगातार आगे बढ़ती रही है और भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के 15-18 महीनों के कार्यकाल को इस चुनाव का मुद्दा बनाया है, उनके प्रदर्शन को मुद्दा बनाया है। तो ये कांग्रेस के लिए इसलिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि जनता उनके कार्यकाल के कामों के साथ खड़ी है, सराहना करती है और भारतीय जनता पार्टी यही मुद्दा बना रही है। 15 साल वर्सेस 15 महीने, ये भाजपा और कांग्रेस के आपस के मुद्दे हैं, बहुत सारे विकास के वादे हैं, जो कि फैक्टर भी है, इमोशनल भी है। कुल मिलाकर इस मरवाही उपचुनाव में बहुत कुछ, सभी चीज़ों का एक कहा जाए तड़का भी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 3 तारीख को जनता फैसला करेगी और जनता का फैसला 10 तारीख को सामने भी आ जाएगा। मरवाही चुनाव लेकिन दिलचस्प हो गया है। जोगी परिवार भले ही मैदान में नहीं है, लेकिन उनका फैक्टर अभी भी काम कर रहा है। कांग्रेस पूरी ताकत लगाए हुए वहाँ पर, प्रतिष्ठा का प्रश्न उसके लिए बना हुआ है। एक विजय रथ जो चल रहा था, क्या वो विजय रथ कंटिन्यू रहेगा या थमेगा? भाजपा के पास एक बेहतरीन मौका है एक बार फिर से अपनी बातों को साबित करने का, जो पिछले 15-20 महीनों से लगाती रही है सरकार पर कि वादा खिलाफी का। सभी के पास मौका भी है, चुनौती भी है। इस चुनौती के बीच जनता क्या तय करती है, ये देखना होगा। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।